बड़ी खबर की, जहां पर एक और पार्लियामेंटेरियंस का वफद जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहा है। रुकन ऐवान का एक और वफद जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और इस दौरे का मकसद गुज़श्ता जो दौरा हुआ था उससे जरा अलग होगा। 15 मार्च को वफद श्रीनगर पहुंचेगा। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा और मुख्तलिफ फील्ड्स में बेहतरीन काम करने वालों की हौसला अफजाई होगी। अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, अवार्ड इन सभी लोगों को दिया जाएगा, एजाज से नवाजा जाएगा। SKICC श्रीनगर में प्रोग्राम मुनक्किद होगा। पार्लियामेंटेरियंस का एक और डेलीगेशन श्रीनगर पहुंचेगा 15 मार्च को और अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है कि 15 मार्च को ही SKICC श्रीनगर के अंदर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जहां पर एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ महकमों से वाबस्तगी रखने वाले मुलाजमीन या अफसरान अगर हैं तो उन सभी की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। उनको पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन के हाथों एजाज से नवाजा जाएगा। सभी लोग एजाज से सरफराज होंगे जिनने बेहतरीन काम अंजाम दिया है, बेहतरीन खिदमात उनकी उसके लिए हौसला अफजाई होगी, सराहा जाएगा। और पार्लियामेंटेरियंस का यह वफद उस वक्त जम्मू कश्मीर पहुंचेगा जब यहां पर हाल ही के दिनों में चंद रोज कबल जो गैर मुल्की सफारतकार थे वो जम्मू कश्मीर से वापस गए हालात का जायजा लेकर। लेकिन अब इस वफद का काम के मुख्तलिफ फील्ड्स में जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई होगी। SKICC श्रीनगर में उन्हें एजाज से सरफराज किया जाएगा।